पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में राज्य के दिग्गजों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इन दिग्गजों को 3 से 5 लोकसभा क्षेत्र का जिम्मा सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि जिम्मेदारी है कि वह संबंधित इलाके के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। बीते रोज नई दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में क्लस्टर प्रभारी की बैठक हुई और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल हुए, उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी मिली। लेकिन नजारा ये भी देखने को मिला कि शिवराज सिंह चौहान को कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। इस चर्चा के बाद राज्य के लोकसभा क्षेत्र का क्लस्टर बनाया गया और ऐसे में इनका प्रभारी दिग्गज नेताओं को बनाया गया है। आपको बता दें कि राज्य को 7 क्लस्टर में बांट दिया गया है और उनका एक प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। ग्वालियर चंबल क्लस्टर का प्रभारी पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया। वहीं मुरैना भिंड ग्वालियर के अलावा गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वहीं इसी तरह से बुंदेलखंड का क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को बनाया गया है। इनके पास है सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो लोकसभा सीट की जिम्मेदारी। वहीं आपको ये भी बता दें कि रीवा शहडोल क्लस्टर का प्रभारी उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को बनाया गया है और रीवा सतना सीधी शहडोल संसदीय क्षेत्र के ये प्रभारी होंगे। इनके अलावा मालवा निवाड़ का क्लस्टर प्रभारी नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया है। इनके पास है धार, खरगोन, खंडवा, देवास और इंदौर संसदीय क्षेत्र। वहीं आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार के मंत्री विश्वास सारंग को भोपाल नर्मदापुरम क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है और इनके पास भोपाल, राजगढ़, विदिशा, बैतूल, होशंगाबाद जैसे संसदीय क्षेत्र हैं। तो इस तरह से देखा गया है कि इन तमाम दिग्गजों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जानकारी आपको ये भी दे दें कि उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को जबलपुर संभाग क्लस्टर का प्रभारी बनाया गया है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर संसदीय सीटों का ये अध्ययन करेंगे और रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो फिलहाल देखा जाए इन तमाम दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है ये क्लस्टर प्रभारी पर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी और वर्तमान में जो गतिविधियां चल रही हैं उन पर भी नजरें रहेंगी। इतना ही नहीं, इन सभी को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सौंपनी होगी। तो अब यही देखना होगा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली है। शिवराज सिंह चौहान इसका हिस्सा नहीं बन पाए हैं और लोकसभा चुनाव वह लड़ते हुए देखे जा सकते हैं, छिंदवाड़ा से उन्हें उतारा जा सकता है, ये अहम दावे किए जा रहे हैं। तो देखना होगा कि शिवराज लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि इसमें भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।